आज का हमारा टॉपिक है जनरल एंगल और कोटर्मिनल एंगल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिसकी मदद से हमने आगे कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है कि जनरल एंगल या कोटर्मिनल एंगल क्या चीज़ है। जैसा कि आपके सामने डेफिनेशन दी गई है कि एंगल विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड आर कॉल्ड जनरल एंगल्स और कोटर्मिनल एंगल्स। इस बात को हम समझते हैं ज़रा फिगर्स की मदद से। अगर हम एक एंगल कंसिडर करते हैं और वो एंगल है हमारा थीटा, यही एंगल हम आगे बना लेते हैं और यहां से इनिशियल साइड से मैं एंगल शुरू कर रहा हूं और एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद मैं टर्मिनल साइड तक अपना एरो शो करता हूं, तो इसकी मेजर्स क्या होगी? देखें, एंगल वही है जो पहले वाला है। फर्क यहां सिर्फ इतना आया है कि हमने एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद एंगल कंसिडर किया है, तो ये होगा 2π+θ। क्योंकि वन कंप्लीट रोटेशन जब हमने इनिशियल साइड से स्टार्ट लिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके हम दोबारा एक मुकम्मल रेवोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया, एक रोटेशन मुकम्मल कर ली, तो कितने रेडियन एंगल हुआ? 2π रेडियन। इसमें थीटा ऐड कर दें टर्मिनल साइड तक जाने के लिए। अब ये देखिए कि अगर ये 30° एंगल होता, फॉर एग्जांपल हम रोटेट करके जाते 360 + 30, तो इसकी मेजर 390 बनती। हालांकि 390 तो शो नहीं हो रहा ना, आप नॉर्मली जो एंगल शो करते हैं उसकी रेंज 0 से 360 के दरमियान होती है। ट्रिग्नोमेट्री में और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक फ़र्क और आपके सामने आ रहा है कि ज्योमेट्री के अंदर रिस्ट्रिक्टेड मेजर्स होती हैं एंगल्स की, यहाँ एंगल कैन हैव एनी मेजर। अब ज़रा देखिए, यही एंगल हम एक और बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है हमारा, हम इनिशियल साइड से स्टार्ट लेते हैं, एक रोटेशन मुकम्मल की, इनिशियल साइड पर वापस आए, एक रोटेशन और मुकम्मल की, इनिशियल साइड पर वापस आए और टर्मिनल साइड तक गए, तो ये θ+4π है क्योंकि आपने दो रोटेशन मुकम्मल की हैं एंटी क्लॉकवाइज। 2π, देन अगेन एक और रोटेशन 2π और होगी 4π। इसका मतलब ये हुआ कि θ+2π+4π+6π+8π एंड सो ऑन, जितने भी आप 2π के मल्टीपल्स ऐड कर देंगे थीटा में, बेसिकली वो एंगल रहेगा थीटा ही। इन एंगल्स को कहते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। क्या कहते हैं? कोटर्मिनल एंगल्स। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। अगर ये एंगल मैं ले लेता हूं 30° का, देखिएगा जरा, यही एंगल हम यहां एक और बना लेते हैं 30° का। अब अगर मैं एक रोटेशन मुकम्मल करूंगा यहां से, तो ये कितनी हुई 360, टर्मिनल साइड तक वापस गया, तो ये एंगल हो जाएगा 390°। यानी 390° एक्चुअल हो गया 30° + 360°। अगर दो रोटेशन होती तो ये 750 बन जाता, क्योंकि दो रोटेशन में 720° + 30° 750° बन जाता। दोनों में कोई फर्क है? नहीं, बेसिक एंगल थीटा ही है। बेसिक एंगल जैसे यहां 30 है, 390 भी वही है जो 30 है। तो ये होते हैं कोटर्मिनल एंगल्स कि जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड एक होती है, लेकिन मेजर में फर्क आ जाता है, लेकिन मेजर में फर्क आ जाता है। लिहाजा अब आप आगे देखिए, अगर हम एंगल थीटा लेते हैं, जैसे कि ऊपर हमने लिया है ये एंगल थीटा, एक एंगल थीटा हम और बनाते हैं और हम क्लॉकवाइज रोटेशन यहां से हम शुरू करते हैं और ये टोटल रोटेट करके हम इस एंगल तक वापस चले जाते हैं, तो ये होगा θ-2π। क्या होगा? θ-2π। सेम इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड है, लेकिन रोटेशन को आप नोट करें कि आपकी रोटेशन क्या है। इनिशियल साइड से आप टर्मिनल साइड तक जाएंगे, अगर आप इसको मुकम्मल करते तो ये -2π होता, तो बाकी एंगल कितना बचेगा? θ-2π। तो θ-2π हो, इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, कि 2π - 2π टोटल थीटा आप उसमें ऐड करेंगे तो ये बाहर वाली रोटेशन आ जाएगी, वही इनिशियल साइड, ये वाली इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, एंगल वही सेम है। इसका मतलब है θ-2π
थीटा माइनस फोर पाई आ जाएगा दो रोटेशन के बाद, या थीटा माइनस सिक्स पाई आ जाएगा तीन रोटेशन के बाद, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जब एक ही एंगल हो और उसकी कंप्लीट रोटेशन साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए और एंगल की इनिशियल और टर्मिनल साइड ना बदले, तो वो एंगल कोटर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। लिहाजा हम कोटर्मिनल एंगल में से जब बेसिक एंगल तलाश करना चाहते हैं तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है या जनरल एंगल क्या होता है। अगर आपके पास एंगल आपका डिग्रीज में है, अगर थीटा जो है वो डिग्रीज में आप ले रहे हैं, तो देन जनरल एंगल की शक्ल बनेगी थीटा प्लस 360 डिग्री के, और यहां के बिलोंग्स टू जेड होगा। अगर के वन है तो थीटा प्लस 360, के टू है तो थीटा प्लस टू टाइम्स 360 720 दो रोटेशंस, अगर के थ्री है तो तीन रोटेशंस, अगर के माइनस वन है तो क्लॉकवाइज वन रोटेशन, और अगर माइनस टू है तो क्लॉकवाइज दो रोटेशंस। तो बुनियादी तौर पर यह बात समझाने का मकसद यहां यह है कि अगर डिग्री में होगा तो जितना 360 उसमें से होगा वो हम माइनस करते चले जाएंगे, और 360 से लेस जो एंगल हमारा बचेगा वो बेसिक एंगल होगा। और इन सवालों के अंदर हम बुनियादी तौर पे जो बेसिक एंगल लेंगे वो बेसिक एंगल 0 और 90 के दरमियान होगा। आगे चल के हम एक्सरसाइज में इसके जब क्वेश्चंस करेंगे वहाँ ये डिटेल दोबारा जब अप्लाई होगी तो आपको मजीद बात क्लियर हो जाएगी। इसका सेकेंड ये केस है कि अगर थीटा रेडियन में ले लेते हैं, हम थीटा रेडियंस में होगा तो फिर आपका जनरल एंगल बनेगा थीटा प्लस टू के पाई, और यहां के बिलोंग्स टू जेड होगा, प्लस टू पाई के वन माइनस टू पाई के माइनस वन, अगर के टू है तो प्लस फोर पाई, के माइनस टू है तो माइनस फोर पाई। तो ये सारे जो हैं वो कोटर्मिनल एंगल्स हैं, और ये आमतौर पे जो यूज होती है दिस इज नोन एज जनरल एंगल, जो कि कोटर्मिनल एंगल कहलाता है। कि बेसिक बात यह है कि एंगल वही होता है, सिर्फ उसकी मैयर में फ़र्क होता है। और एक बात और याद रखनी है कि 360, 720, 1035 ये एंगल आप ज्योमेट्री में कभी भी ड्रॉ नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये एंगल्स हैं। और बेसिकली हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं बेसिक एंगल में कि जितनी रोटेशंस उसमें आ रही होती हैं वो हम माइनस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो आपसे कहता है कि आप यूँ कीजिए कि 390 की रेशोज़ फाइंड करें, 390 डिग्री की रेशोज फाइंड करें। तो आप इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करेंगे, 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री, और जनरल एंगल के मुताबिक क्या होगा कि यहां के क्या बनेगा, 1 इंटू 360 डिग्री, तो के 1 आ गया। तो ये शक्ल ये बन गई। तो बुनियादी तौर पे 390 की सारी रेशोज वही होंगी जो 30 की रेशोज है। ये ताल्लुक है बेसिकली कोटर्मिनल एंगल को एक स्टैंडर्ड बेसिक एंगल की तरफ लेके जाना, कि जो उसकी रेशोज होंगी वो लिंक होंगी किसी के साथ। 390 की रेशोज फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं है अदर देन कैलकुलेटर, लेकिन 30 की रेशोज आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, 45 की रेशोज आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, 60 की रेशोज आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा ये वो कॉन्सेप्ट है जनरल एंगल का, जिसकी मदद से आगे चल के हमने क्वेश्चंस करने। आगे चलते हैं, अगली जो बात आ रही है वो है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन। ये बात बहुत सादा है, स्टैंडर्ड पोजीशन में जब भी आप एंगल लेंगे आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करेंगे। आप एक्स वाई प्लेन लेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स लेंगे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जैसे भी आप कहना चाहें उसको। और अगर आप यहां एक पॉइंट पी शो करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और ये जो ओ पी है ये एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा, तो ये एंगल स्टैंडर्ड कहलाएगा। क्यों? उसकी दो शरायत हैं। स्टैंडर्ड एंगल वो होता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है जी, और उसकी इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो। एन एंगल इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड पोजिशन इफ वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इनिशियल साइड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आप ये जो टर्मिनल साइड है आपकी, ये चाहे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएं, चाहे आप थर्ड में ले जाएं, चाहे आप फोर्थ में ले जाएं, ये एंगल भी स्टैंडर्ड होगा, ये एंगल भी स्टैंडर्ड होगा, ये एंगल भी स्टैंडर्ड होगा। टर्मिनल साइड को हम रिवॉल्विंग साइड भी बोलते हैं, बिकॉज दिस कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन योर प्लेन। अलबत्ता ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब स्टैंडर्ड एंगल की बात हो रही होगी, जिसकी मदद से आगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमने काम करना है, इनिशियल साइड फिक्स कर दी गई किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इनिशियल साइड जब फिक्स होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन, देन द एंगल इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड पोजिशन। अब इसके बाद एक बात और आ जाती है, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं।
आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ है 0, 90, 180, 270, 360, ये सब के सब क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। इससे क्या मुराद है? आप जब एक्स वाई प्लेन कंसिडर करते हो तो एंगल की रेंज जरा नोट करो, ये 0, ये 90, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये दोबारा अगर रोटेशन मुकम्मल हो जाए तो ये 360 डिग्री। अब इसके अंदर जब 0 डिग्री है उसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। अगर 90 है तो टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड यहीं रहेगी, टर्मिनल साइड यहां चली जाएगी। 180 पे टर्मिनल साइड यहां आ जाएगी, 270 पे टर्मिनल साइड यहां आ जाएगी अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं? जिनकी टर्मिनल साइड कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोइंसाइड करती है। क्वाड्रेंटल एंगल्स आर दोज एंगल्स इन विच टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल कोइंसाइड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो वो एंगल क्या बनते हैं? 0, 90, 180, 270, 360, या अगर इससे बड़े एंगल होंगे तो हम उसको कोटर्मिनल के तहत कन्वर्ट कर लिया करेंगे। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते। यहाँ चार क्वाड्रेंट है ना, आप जानते हैं, पीछे भी आप पढ़ के आए कि ये जो चार क्वाड्रेंट्स हैं इनमें टर्मिनल साइड कहीं नहीं होती, बल्कि वो जो बाउंड्री इनको सेपरेट कर रही होती है, एक्सिस जो होते हैं उनमें से किसी एक एक्सिस के ऊपर होता है उसकी टर्मिनल साइड। तो ये बात याद रखनी है कि टर्मिनल साइड जब किसी ना किसी एक्सिस पे होगी यानी, तो वो क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। अदरवाइज अगर किसी क्वाड्रेंट में है तो टर्मिनल साइड उसको हम, जैसे ये है, ये मैंने एंगल जो शो किए हैं, ये सारे क्वाड्रेंटल नहीं हैं। क्वाड्रेंटल सिर्फ वो होंगे जिसकी टर्मिनल साइड एक्सिस में से किसी एक एक्सिस के ऊपर लाई करेगी।